में बात करता है, भाई तू इतना ज्यादा गरीब है और तू बोलता है कि तेरी माँ 3,000 रुपए में घर चलाती थी, तेरी माँ के ऊपर घर चलता था और तू इतना गरीब है, तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि तेरी ये जो जाओ जलाली है वो सब कैसे पूरी हो रही है, तू फ्लाइट से आता जाता है वो सब कैसे पूरा हो रहा है, तू 3,000 रुपए का दंड भी भरता है खुले में शौच का, तो वो 3,000 रुपए तो तुम्हारी अम्मा की मंथली कमाई है, तो वो 3,000 का दंड भरने का भी पैसा कहां से आता है। एनीवेज मैं आगे इनका बताऊंगी कि इनका किस तरह से है। इसी बात पर जब आगे शैला रशीद को सवाल किया, शैला रशीद का साथ दिया और साथ देते हुए ये राहुल कंवल से कहता है महिलाओं की बात पर कि जशोदा बेन से, नोट करिएगा ये वर्ड, जशोदा बेन के साथ भी तो अन्याय हुआ है। अब मैं है ना इसमें इसको बता दूं कि कन्हैया अब जब तुमने जशोदा बेन का नाम ले लिया है ना, फिर तुम कहोगे कि तुम पे पर्सनल अटैक होते हैं, तुम देश के प्रधानमंत्री पे पर्सनल अटैक करते हो तो कुछ नहीं है, जब तुम पे पर्सनल अटैक होते हैं तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। अब तुम सुनी लो, बहुत लोग जशोदा बेन की बात करते हैं ना, सुन लो, तुम लोग जब ये जेएनयू में कहते हो कि तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो जब तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो अपने म्यूचुअल कंसर्न से, ऑब्वियसली सोसाइटी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी और जशोदा बेन म्यूचुअल कंसर्न से अलग हो जाते हैं तो क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें खुले में स्मूच करने की आजादी चाहिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर यहां हस्बैंड वाइफ अपने म्यूचुअल कंसर्न से अलग हो रहे हैं, दोनों ने डिवोर्स भी नहीं लिया, दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की, तुम्हें तो सवाल उस बंदे से करना चाहिए जो 3-3 शादियां करके बैठा है और जिसकी बीवी दिल्ली के एक होटल में सुसाइड कर लेती है, जिसकी रहस्यमय मौत हो जाती है और जिसमें ये लोग सीबीआई को, पुलिस को, सबका मुंह दबा देते हैं, इंक्वायरी अभी भी चालू है, अभी भी आपको ये इंक्वायरी देखने को मिलेगी, उससे तुम सवाल नहीं करते, पर्सनल हो रहे हो ना। अब मैं पर्सनल होती हूँ, दिग्विजय सिंह से तुमने सवाल नहीं किया, उस दिग्विजय सिंह से जिसने पोते की उम्र की लड़की से शादी कर ली, तब तुम कहते हो कि उसका खुद का मैटर है, लोगों को बोलना नहीं चाहिए, तो जशोदा बेन और मोदी के मामले में उनका खुद का मैटर है, तुम्हें किसने हक दिया बीच में बोलने के लिए, दोनों म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रहे हो और जशोदा बेन ने हजारों दफे ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से अलग हुई है, नरेंद्र मोदी ने उसको अलग नहीं किया, चाहो तो तुम यूट्यूब में वो वीडियो भरे पड़े हैं, जाके वो वीडियो देखो, पर तुम्हें उस पर पर्सनल अटैक करना है तो तुम पर भी पर्सनल अटैक होंगे, जाके सवाल करो उन कांग्रेसियों से जो जिनकी गुप्त तरीके से शादी हुई, जिनकी कोई पहचान नहीं हुई, जिनका पास्ट क्या था कोई जानता नहीं, जो पहले कौन सी जात और कौन से धर्म के थे, जो इटली में क्या धंधे करते थे, हिंदुस्तान में आके बड़े महान बन रहे हैं, जाके सवाल उनसे करो। फिर कन्हैया ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी खुद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहते कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, मैं चाय वाला हूं, इसलिए मुझे वो, तो मैं इसमें भी कन्हैया को जवाब दे दूं कि मोदी जी ने आज तक कभी पिछड़ी जाति की बात तब तक नहीं कही है जब तक उन पर लांछन नहीं लगे। गुजरात चुनाव में जब कांग्रेस के एक नेता ने उनको, मणिशंकर अय्यर ने उनको नीच जाति का बोल दिया था, नीच इंसान बोल दिया था, इस संदर्भ में मोदी जी ने गुजरात चुनाव के वक्त अपनी रैली में ये बात कही थी कि मुझे इसने निम्न वर्ग का, मैं क्योंकि मैं निम्न वर्ग से, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, इसलिए इसने मुझे नीच आदमी कहा, और मेम्स तुमने बनाए थे चाय वाला के, कांग्रेस के वेरीफाइड अकाउंट से वो मेम्स बनकर हर जगह स्प्रेड हुए थे कि तू जाके चाय बेच, उसको चाय वाला तुमने बोला, तो फिर वो उसने उसी संदर्भ में इसका रिप्लाई दिया था, तो उसने इसमें कहां से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गई। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब शैला रशीद 15% महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिलवाने की बात करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब जिग्नेश मेवानी सिर्फ दलित की बात करता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब हार्दिक पटेल सिर्फ पटेलों की बात करता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब ये सपा वाले सिर्फ मुसलमान अपीजमेंट की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब कांग्रेस सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब ये कम्युनिस्ट लोग कम्युनल करते हैं हर चीज को, उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना तो कभी आरएसएस वालों ने करी है, ना कभी भाजपा ने करी है, ना कभी मोदी जी ने करी है, ना ही कभी कोई लीडर ने करी है। इनका पहले से ही संघियों का एक चीज था हिंदुत्व, और वो उसी बात पर अड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते, उन्होंने सारे धर्म को सम्मान दिया है। गुजरात में मोदी जी इतने साल तक मुख्यमंत्री बनकर रहे, कौन से मुस्लिम को प्रॉब्लम हो गई ये बताओ। इनफैक्ट गुजरात का मुस्लिम का पर कैपिटा इनकम हर एक मुस्लिम की, इंडिया के जितने भी मुस्लिम है उसमें देखा जाए तो एवरेज गुजरात के मुस्लिम अच्छा कमाते हैं।
गुजरात के मुस्लिमों की एजुकेशन भी इंडिया की एजुकेशन के कंपेयर में परसेंटेज वाइज ज्यादा है, तो उन्होंने कब अपीजमेंट करी, कब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करी? बदतमीजों की तरफ बैठ जाते हो मंच में और तुम जैसे घटिया लोगों को ये तुम्हारे जो ससुराल वाले वो तुम्हें बुला भी लेते हैं और तुम लोगों की तारीफों के पुल भी बांध लेते हैं, तुम लोगों को हाईलाइट भी कर देते पूरे इंडिया में और तुम लोगों को है ना चढ़ा देते हैं और तुम लोग चढ़ जाते हो, तुम जैसे गद्दारों को जूते मारने चाहिए चौराहे पे खड़े रख के, किसी मंच पर बैठने के लायक नहीं हो तुम। एक क्वेश्चन अभी ये बहुत चल रहा है तो आज चलो मुझे लगता है मौका आ ही गया है। फिर कन्हैया ने ये एक सवाल सामने करा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाके सदाचारी कैसे हो जाते हैं, और इसी सवाल पर शैला ने कहा कि गोवा मेघालय मणिपुर की बात करते हुए शैला बोली कि बीजेपी एमएलए खरीद कर सरकार बनाती है जैसा गोवा मेघालय मणिपुर में किया। फिर शैला ने कहा कि नीतीश और लालू के साथ भी बिहार में ऐसा ही किया भाजपा ने, और फिर ये बोली कि कांग्रेस के जीते हुए एमएलए को मिनिस्ट्री देती है भाजपा खुद में बुला के। तो अब मैं है ना इनको अच्छे से जवाब दे दूं, कन्हैया और शैला ने ये सवाल उठाया है तो कन्हैया और शैला को कह दूं कि आप दोनों तो हो कम्युनिस्ट, आप लोग तो कहते हो कि आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे आप लोग कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हो या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? तो यहाँ पे ही पता चलता है दोस्तों कि ये कोई लेफ्ट विंग वाले नहीं है, ये सब कांग्रेस के ही मुखौटे हैं, कांग्रेस के ही पपेट हैं जो हर जगह एटलीस्ट हम फेयर तो है। मैं कहती हूँ कि मैं हूँ मोदी की समर्थक, मैं कहती हूँ कि मैं हूँ संघी, मैं सपोर्ट करूंगी उनको। तुम्हारा दोगलापन तो देखो कि तुम कम्युनिस्ट होकर, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करके लेफ्ट विंग के होकर कांग्रेस की यहाँ पे बात कर रहे हो कि कांग्रेस के एमएलए खरीद रही है या गोवा मेघालय मणिपुर की तुमने बात करी। तो अब सुनो मेरी बात, नरेश अग्रवाल की बात करते, बहुत लेटेस्ट इशू है और काफी लोग चाहते थे कि मैं इस इशू पे बोल दूं। तो मैं एक बात बोलू, जब मुस्लिम हिंदू को कन्वर्ट करता है तो कोई इशू नहीं है, जब कोई क्रिश्चियन हिंदू को कन्वर्ट करता है तो कोई इशू नहीं है। और हमने एक सपा वाले को संघी क्या बना दिया, तुम्हें तकलीफ हो गई? संघ तो कहता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे साथ जुड़े, भाजपा तो कहती है कि ज्यादा से जो ज्यादा लोग आए और हमारे साथ में जुड़े, और कोई अगर भाजपा में आना चाहता है और जिसमें भाजपा का भी फायदा हो रहा है तो उसमें गलत क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अगर अगला इंसान भाजपा की शर्तों पर, संघ की शर्तों पर, उनकी आइडियोलॉजी को अपनाकर आना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? और यहाँ पे तो हमारा फायदा है, हम नहीं चाहते कि राज्यसभा में जाए मायावती, हमें उसको नहीं भेजना है राज्यसभा में। एक तरफ आप कहते हो, इसमें सबकी मैं एक साथ बात कर रही हूं, जो मोदी सपोर्टर्स है उनकी भी और खिलाफ है वो तो खैर सुन ही रहे हैं, कि एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन हमारी राज्यसभा में बहुमति नहीं है, बहुमति हमको राज्यसभा में चाहिए, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? श्री कृष्ण ने भी तो कहा था युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में, ये बात कही थी श्री कृष्ण ने कि जो कौरव पांडवों की साइड आना चाहते वो आ जाए और जो पांडव कौरव की साइड जाना चाहते वो चले जाए, क्योंकि एक बार शुरू हो गया युद्ध तो फिर कोई भाई भतीजा या रिश्तेदार नहीं रहेगा। तो उसमें क्या गलत हो गया अगर उन्होंने कह दिया? और नरेश अग्रवाल जो है वो भाजपा की टर्म्स एंड कंडीशन, उनकी शर्तों के आधार पर आना चाहता है, तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, हमें चाहिए राज्यसभा में बहुमति, और जो भी आएगा, मैं तो इनफेक्ट कहती हूँ कि अगर सोनिया गांधी भी संघी बन जाती है तो इससे बड़ी क्या चीज है? हम तो चाहते ही है, जैसे ये इस्लामिक लोग चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये कैथलिक लोग चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कैथलिक बन जाए, वैसे हम भी चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान संघी बन जाए। क्या गलत है इसमें? खुले में बोल रहे हैं ना, तुम्हारी तरह बंदूक की नोक पर और मीठी बोली पर तो कन्वर्ट नहीं करते किसी को जाति से तो कन्वर्ट नहीं किया आज तक हिंदुओं ने। बकवास बातें करते हो, आएगा जिसको हम लेंगे, क्योंकि हमें ताकत मजबूत करनी है हमारी, और कांग्रेस का नामो निशान मिटाना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और चाणक्य नीति भी यही कहती है कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसको कमजोर करना बहुत जरूरी है, तो उनके एमएलए तोड़ रहे, उसमें क्या गलत है? और रही बात गोवा मेघालय और मणिपुर की, तो गोवा की लोकल पार्टीज ने कह दिया था कि वो एक ही शर्त पे भाजपा को समर्थन करेगी, अगर मनोहर पारिकर जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो मनोहर पारिकर जी एज चीफ मिनिस्टर वहां गए, उनकी शर्तें मानी और बन गए। रहा सवाल मेघालय और मणिपुर का, तो वहां की लोकल पार्टी नहीं चाहती थी, उनको नहीं चाहिए था, वहां का यूडीपी और एनपीपी ने साफ साफ मना कर दिया था कि उनको नहीं करना है, उन्हें नहीं कांग्रेस के साथ संघ सरकार बनानी। अगर कोई वो छोटे बच्चे तो है नहीं, नाबालिग छोटे बच्चे तो है नहीं कि उनको किडनैप कर हम लोग लेकर आ गए हैं या कुछ वैसा कर लिया है, अपनी मर्जी से आए, हमारी शर्तों पे आए, क्यों प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? जितने लोग आएंगे उतने लोग लाएंगे, चाहिए हमें राज्यसभा में मेजोरिटी, चाहिए हमें राम मंदिर, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, सुन लो अच्छे से। अब इसके बाद
इस और मैं इनको कहती हूँ शैला रशीद और कन्हैया को उल्लू बनाना छोड़ दो, बन जाओ कांग्रेस के प्रवक्ता। अगर इतनी तुम कांग्रेस की आके बातें कर रहे थे मंच से लेफ्ट विंग के होने के बाद भी, इन लोगों ये लोग लेफ्ट विंग के हैं, इन्होंने अपने एक भी लीडर का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं कह देती हूँ कि माणिक सरकार भी अगर संघी बनना चाहे तो उसका भी स्वागत है, हम बनाएंगे उसको भी संघी, करेंगे हम कन्वर्ट, बनता है वो तुमसे, कर लो जाओ। फिर कन्हैया ने कहा कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति वालों को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो बाबा साहेब की कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखते हुए कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें ये बोलता है कि इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए। तो मैं इसमें भी इसको बोल दूं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा साहेब ने ये कहा था कि आरक्षण सिर्फ 10 साल तक होना चाहिए। ये नेहरू की राजनीति थी कि उसने ये आरक्षण चलने दिया उसकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और जहां ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यस वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ इंडिया, हमने जनरल कैटेगरी में जन्म लिया क्या ये हमारी गलती है? मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया क्या ये मेरी गलती है? क्यों हम लोग वंचित रहे इस चीज से क्यों? और जब ये बात कर रहा है कि इक्वल सोसाइटी, तो इक्वल सोसाइटी तो तभी होगी जब सब इक्वल होंगे। आरक्षण होना चाहिए लेकिन सिर्फ आर्थिक आधार पर, जो संघ कहती है और मैं संघ को समर्थन देती हूँ इस बात पर। और आर्थिक में सब आ जाते हैं, एसटी एससी ओबीसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेजोरिटी माइनॉरिटी दलित मुस्लिम सब आ गए, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा वो सब आएगा। तुम जैसे मुफ्तखोर निठल्ले निकम्मे नहीं कि कहते हो कि माँ बाप गरीब है, 33 साल की उम्र हो गई फिर भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं कि चार पैसे कमा के अपने माँ बाप को गांव में भेजो, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें खुले में किस, तुम्हें खुले में स्मूच करना है, तुम्हें खुले में दारू पीना है, तुम्हें खुले में लेट नाइट पार्टी करनी है, तुम्हें तुम्हें वर्जिन ट्री की पूजा करनी है वैलेंटाइंस डे पर, और दमदमी माता की तुमको पूजा करनी है जिसमें दमदमी माता तुम फिल्म एक्ट्रेस को बनाते हो, तुमको अपनी किताबों से ज्यादा कॉन्डम रखने हैं अपने बैग में। बड़ा कड़वा बोल रही हूं पर मैं बहुत सच बोल रही हूं। कन्हैया ने कहा कि हम पर व्यक्तिगत आरोप, फिर इसने कहा कि हम पर व्यक्तिगत आरोप लगते हैं, हम पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं। फिर कन्हैया हार्दिक की तरफ से बोलता है कि क्यों हार्दिक ने अपनी बहन की शादी करी उसमें क्यों हार्दिक को बोल रहे हो, और मैंने खुले में शौच कर दी उसमें मुझे क्यों बोल रहे हो, या शैला को लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्यों बोल रहे हो। तो भाई सुन लो, मैं अब तुम्हें जवाब दे दूं कि जब तुम किसी पे पर्सनल अटैक करते हो तो तुम पे पर्सनल अटैक होंगे, एक बात। दूसरी बात, हार्दिक की जहां तक है तो यह हार्दिक पटेल एक दिन इसका ऐसा नहीं जाता जब ये जशोदा बहन को लेके कमेंट नहीं करता है तो इस पे भी पर्सनल कमेंट होंगे। तो इसको लगता है कि ये बच के निकल जाएगा, तो ये तो कतई नहीं होगा, पर्सनल कमेंट सारे होंगे। और जब तुम है ना झेल नहीं सकते ना तो देना भी भूल जाओ, जब तुम दोगे तो तुमको भी मिलेगा सामने। और फिर ये लिव इन रिलेशनशिप वाली शैला की भी बात करता है, तो मैं कहती हूं कि लड़का और लड़की उनके परिवार को प्रॉब्लम नहीं है। मैं करोड़ों कार्यकर्ता है भाजपा में, जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो। मैं भाजपा की समर्थक हूं, मैं मोदी जी की समर्थक हूं, मैं संघी समर्थक हूं, लेकिन मैं कहती हूं कि लड़का और लड़की अगर दोनों बालिक है, दोनों समझदार है और दोनों अपनी मर्जी से लिव इन में रहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी, और इसकी तो छूट भी कोर्ट ने दे चुकी, कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को पर मोहर लगा दी है कि लड़का लड़की चाहे तो लिव इन में रह सकते हैं वयस्क होने के बाद में। मगर अगर कोई मर्द शादीशुदा है और अपनी बीवी से छुपे छुपाए वो किसी के साथ लिव इन में रहता है तो इससे मुझे भी एतराज है। अगर कोई औरत शादीशुदा है और पति होने के बाद भी वो इलीगल रिलेशन रखकर किसी से लिव इन में रह रही है तो इससे भी मुझे एतराज है। तो लिव इन की भी एक टर्म्स और एक कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज मुझे लिव इन में कोई एतराज नहीं है। किसी मर्द के चार बच्चे हैं और वो फिर दो तीन अलग अलग लिव इन में लड़कियां रखता है तो एज अ सोसाइटी होने के नागरिक होने के नाते और औरतों के हक की लड़ाई लड़ने के नाते मैं एतराज करूंगी, हजार दफे करूंगी, और मैं इस रिलेशनशिप को कतई मंजूरी नहीं दूंगी। बाकी लड़का लड़की कुआर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिविंग में क्या मर जाओ, हमें क्या लेना देना है भाई, हमारा हमारे थोड़ी बच्चे रह रहे हैं, हमारे रहेंगे तब हम देखेंगे। कन्हैया ने इसी संदर्भ में कहा कि हमारी पढ़ाई पर आपत्ति है, जब पीएम मोदी 35 वर्ष की उम्र में एमए कर सकते हैं तो मैं 33 वर्ष की उम्र में एमए क्यों, पीएचडी क्यों नहीं कर सकता? तो भैया सुन ले, इतने निकम्मे निठल्ले तुम हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्रांति ला रहे हो, तुमको आजाद करना है कश्मीर को, इसलिए हमें दिक्कत है। और रहा सवाल मोदी जी का, तो मोदी जी ने कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम दी, अपने एग्जाम की फीस भी खुद भरी, वो किसी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे, तुम्हारी तरह मुफ्तखोर नहीं है, किसी की कमाई पर ऐशो आराम नहीं कर रहे, अपने दम पर वो 35 या 40 की उम्र में एमए करे या पीएचडी करे,
जब तक तुम मुफ्तखोर किसी और की कमाई पर ये सब पढ़ भी रहे हो, फिर उन्हें गालियां भी देते हो, फिर बाप बन के भी रहते हो, फिर आजादी की भी बात करते हो, फिर गद्दारों को सपोर्ट करते हो, एंटी नेशनल स्लोगन लगाते हो, प्रो आजादी स्लोगन लगाते हो, भारत की बर्बादी के नारे लगाते हो, और फिर तुम्हें कह के तुम्हें बर्दाश्त किया जाएगा तो जूते पड़ेंगे जूते। शुक्र मनाओ मैं जेएनयू में नहीं पढ़ रही, वरना तुम लोगों की ऐसी बैंड बजाती ना ये तुम सब भूल जाते ये आजादी के स्लोगन और ये सारी गद्दारी। इसी में हार्दिक पटेल को जब राहुल गांधी और कांग्रेस को समर्थन की बात की गई तो ये बंदा बिल्कुल मुकर गया। ये सब उसमें है। ये बंदा कहता है कि मैंने तो कभी सपोर्ट ही नहीं करा, मैंने कब का मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। ये एग्जाम्पल देता है कन्हैया कि भगत सिंह ने भी लेफ्ट आइडियोलॉजी को अपनाया था, क्योंकि उसने जेल में बैठ के, इसमें बड़ी चर्चा हुई है कि लेनिन की किताब पढ़ी, तो भाई किताब तो मैंने भी थोड़ी बहुत ये पढ़ के रखी हुई है, मैंने भी क्या बोलते हैं इसको कुरान मैंने भी थोड़ी पढ़ी है, क्या मैं समझना चाहती थी कि आखिर ऐसा कुरान में क्या लिखा है कि लोग जिहाद करने पे उतर आते, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। जेल में बैठ के सारी बुक्स पढ़ ली होगी, देखना चाहते होंगे कि ये लेफ्ट आइडियोलॉजी ऐसी क्या है। तो ये तो कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन की हर एक चाल समझनी चाहिए, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि तुम्हारा दुश्मन क्या सोचता है, उसकी कैसी सोच है, वो सोच भी पढ़ो, वो सोच समझो और उस सोच पर अपनी रणनीति तय करो। तो भगत सिंह ने पढ़ ली किताब, मैं खुद अलग अलग ग्रंथ की किताबें पढ़ती हूँ तो उसमें बुरा क्या है, मैंने भी पढ़ी है ये जीसस की, मैंने सारी कहानियां पढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनाना चाहती हूँ, क्रिश्चियन बनना चाहती हूँ। कमाल है तुम्हारा, मतलब भगत सिंह वाला बड़ा, आजकल तुम्हें भगत सिंह से प्यार उमड़ रहा है, आज तक तो तुम्हें भगत सिंह कभी प्यारा नहीं नजर आया और लेनिन की मूर्ति गिरने के बाद में तुम्हें भगत सिंह भगवान लगने लग गए, बेशर्मो, उल्लू किसको बना रहे हो। फिर हार्दिक कहता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, सरकार तो सिर्फ हमें जेल ही भेज सकती, तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना कि तुम जेल जाने के लायक ही, और सरकार को जिसके लिए जो करना है ना वो कर ही रही है, लेकिन अगर ये लगता है कि मुफ्तखोरों के लिए करेगी, सरकार ऑलरेडी पिछला तो जो मुफ्तखोरों को मिला है वो मिल ही रहा है, और समझ रहे हो कि और नया कुछ मिल जाए तो भूल जाना, क्योंकि अब हम वो नहीं है, हम 1947 की जनता नहीं है, अब तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, तुम्हें जो लड़ाई सड़कों पर ले जानी है ना, फिर देखना कि हम कैसे सड़कों पर उतरते हैं। एला कहती है कि इनकी लेफ्ट आइडियोलॉजी जो कहीं भी नहीं रही, लुप्त हो गई है, तो इसमें ये खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे कि खुद क्यों लुप्त हो गए हैं, बल्कि ये आरएसएस पे फाड़ रही है बिल। ये कह रही है कि आरएसएस ने तो गलत फायदा उठाया है, देश में कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं था तो जगह जगह आरएसएस ने अपनी शाखाएं खोली, स्कूल खोली और बच्चों को पढ़ाया। तो भाई अगर देश में स्कूल नहीं था तो 70 साल किसने राज किया, जाके तुम नेहरू से लड़ो, नेहरू गांधी परिवार से लड़ो, और रहा सवाल शाखा में ज्वाइन होने का, तो आरएसएस वाले तुम लोग जैसे खींच खींच के ले जाके, जैसे पश्चिम बंगाल में धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ गया, या जैसे केरला में तुमने करा, या जैसे यूपी के बहुत सारे स्टेट्स में धर्म परिवर्तन हुए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि केरल में जो हो रहा है या कर्नाटक में जो हो रहा है ऐसा जबरदस्ती शाखा वालों ने किसी के धर्म परिवर्तन करवाए है, या शाखा वालों ने किसी को जबरदस्ती मस्जिद से उठाकर शाखा में बिठा दिया है कि आओ और अपने मदरसे में ना जाकर पढ़कर हमारे शाखा में आके पढ़ो, ऐसी दोगली बातें करती हो तुम, बेवकूफ गवार ढक्कन हो तुम, एक नंबर की पीएचडी कर रही हो, 2% की अक्ल नहीं है, 33 की तुम्हारी उम्र हो गई है फिर भी तुम्हारा नॉलेज जीरो, तुमसे साल दो साल से ज्यादा मैं बड़ी नहीं हूं, पर तुम जैसी है ना, मतलब बेतुकी की बातें तो मैं भी नहीं करती हूं, मेरा बच्चा भी नहीं करता, मेरा 12 साल का बच्चा तुमसे ज्यादा मैच्योर है, बेवकूफ, पीएचडी नहीं करी है, रंग रेलिया मनाई है तुमने जेएनयू में, तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया होता ना तो दिमाग चलता, तुम्हारी ये कम्युनिस्ट थ्योरी तुम्हारे पास में रखो। और फिर एंड में ना एक होकर, मतलब अब फिर ये एंड में ये लोग कहते हैं कन्हैया और शैला के सारी ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा मोदी के खिलाफ, खुद की विचारधारा, लेफ्ट विचारधारा लुप्त हो रही है उस पे बात नहीं कर रही है, उसमें कह रही है कि सारी कन्हैया और शैला कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा और एक होकर मोदी के खिलाफ करना पड़ेगा हमें, तो तुम 2019 में एक हो जाना, पर इतना याद रखना कि तुम सारे एक भी हो जाओगे ना, पर 2019 में और मेजोरिटी लेकर मोदी सरकार आएगी और राज्यसभा में भी आके तुम लोगों को तुम्हारी औकात, तुम्हारी जगह ना याद दिला दी ना, तो तुम देख लेना। मुझे लगता है कि ये जो सड़क की लड़ाई की बात करे, तो ये इसने कन्हैया ने कहा था कि अब सड़क पर आकर हमें लड़ना पड़ेगा, तो तुम आके देख लो हम भी आएंगे, अगर अब हमारे साथ कोई अन्याय और कुछ गलत किया ना तो अब कतई नहीं होने देंगे और हम भी सड़कों पर आएंगे, तुमने अभी देखा नहीं है, मेजोरिटी कहते हो ना, तो अब देख लेना तुम मेजोरिटी की ताकत। और मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट